अस्सलाम वालेकुम जी, जिम्मेदार एग्री फार्म तो अब्दुल बासित की हाल वाला। उम्मीद है जी सब दोस्त खैर आफियत हो गए। अज असी रिमजा खान जी मंठार की तरफ तारक साहब आना की फसल विजिट करने वास्ते आए हैं। माशाल्लाह इन्होंने जीवन के वाले हाल वाल लवेंगे कि इन्होंने किन्ना सीड लिया सी ते किन्ना लाया ते फसल तो किन्ने मुतमइन है। सलाम तारक साहब, की हाल चाल है जी? अलहमदुलिल्लाह, करिए ठीक हो? अलहमदुलिल्लाह। अच्छा जी, साढ़े देखने वाले दसो कि जेडे जीवन एज दफा हूँ कुछ लोग ना सीड लेना चाह रहे हैं, ठीक, वो मुख्तलिफ फसलों भी कुछ विजिट कर रहे हैं तो वो कुछ सस्ते के पिछे भी नस रहे हैं कि सानू कितो सस्ता मिल रहा वा, सीड अच्छा देखने लग रहा वा, मोटा वा, तो असी वो सस्ता खरीदिए या कोई अथेंटिक फार्मर खरीदिए? ये दसो भी तुम माशाल्लाह किन्ना सीड खरीदया सी? यह सर असी सीड खरीदया सी यह 14 मण। अच्छा ठीक हो गया, 14 मण सीड खरीदा सी। सीड ये सी फंगस लगी सी। अच्छा ठीक जी, यानी कि बीमार सगा कुछ देखने तो तंदुरुस्त लगता था सी, लेकिन वह जोड़ा हैगा बकाया जोड़ा बचा कुल 20-25 किलो बचा। मतलब बाकी सारा तड़ा जाया हो गया? बाकी सारा ही जाया हो गया, सिर्फ 20 असल बीमार सी। सही सही, जिस टाइम देख रहे थे उस टाइम हरा भरा जबर उस टाइम तो ठीक सी नजर सही, लेकिन अब जिदा ही स्टोर च गया तो उस तो बाद मसले मसाइल शुरू हो गए। उदो ही मसले बाद जांदा ही वो गाना शुरू हो गया। सही सही सी, मतलब फिर तुसी एंड जिस टाइम 14 मण दसण दे आ एंड च 20 किलो 20-22 किलो बस। सही सही, 20-22 किलो जिहड़ा बचा बचा। सही, हुण अच्छा जिहड़े हुण साडे कोई देख देखण वाले जे असीं किसे लोगां नूं मतलब आपस गपशप करन दा मतलब भी जिहड़े लोग नवे सीड लैणा चाहुंदे आ उहनां नूं कुछ फायदा हो जाए, उहनां नूं की मशवरा दोगे भी इहदा सीड खरीदण लई की मतलब उह करन? भाई जान, सीड खरीदण वास्ते जाके खुद जिहड़ा हैगा आ उह जिहड़ी कि देखणा चाहीदा सीड नूं वी किस पोजीशन च आ, इह उहनूं बीमारी तां नहीं हैगी, इह अच्छा ग्रोथ इहदी अच्छी आ, सही होना उस देख के बंदे ने भी देखे भी अगे जिहड़ा फील्ड नूं चैक करे। असल मेन मसला इहदा फील्ड चैक करनी चाहिए, फील्ड चैक करोगे तुहानूं सीड आप ही दसेगा भी दसेगा भी ये सही है जां की है। जिहड़ा अच्छा सीड आ जे ते अच्छी सही उहदी केयर हुई आ उही कामयाब आ। बिल्कुल सही, मतलब अच्छा सीड लिया जाए फिर ही उस बंदा कामयाब, फिर ही कामयाब। सुक्का सीड जिहड़ा हैगा वह नुकसान ही दिंदा। सही, उन्होंने जित मतलब देखो नहीं सिर्फ सोना लगना वाला, लेकिन एक जिस दिन स्टोर जाके फिर उन्हें मसले मसाले शुरू हो गए। बिल्कुल, फिर उन्हें कई बीमारियां फिर लगती हैं, जो मर्जी करते रहो फिर उन्हें वो चीज़ नहीं करो। सही सी, हुण तुसीं इह चीज़ वो देखो ना, असीं 14 मण लिया माशाल्लाह, इन्होंने अच्छे खासे अमाउंट उदों भरी, अच्छी खासी अमाउंट भर के तो जो सीड लिया हुण एंड जस्ट मार के बाद चो रिजल्ट निकलिया। ये चो है कि जिहड़े नवें देखण वाले या लैण वाले सीड उन्होंने लिए अकलमंदी यही कर सकते हैं, एक तो सीड अच्छा लिया जाए देख के फसल विजिट करके, दूसरा फार्म देखे जो बंद रहा अच्छा भी इन्होंने को सीड अच्छा लगा वा, बंदे का डील भी सही कर रहा, तुम हर चीज़ सही गाइड कर रहा, बेहतर उन्होंने को लिया जाए। मैं सर सस्ता देख के जी ये नहीं देखना चाहिए भी ये सू सस्ता मिलता, तो लेकिन वो सस्ता ना देखो, म्यार देखो, चीज़ देखो, फील्ड चैक करो, बंदा चैक करो, फिर उस तो जो है सीड लाओ, वरना नुकसान होएगा बस। सही सही सही, ठीक हो गया। उम्मीद है जी तुहानू सीखण वास्ते काफ़ी चीज़ा नवे बंदे नूं मिल गई होणगियां, इहदे हाल वाल ना कि सीड हमेशा अच्छा परचेज किया जाए। बाकी एक मैं तुहानू फसल भी विजिट करा दिना, दिखा दिना फसल की की सूरत हाल, क्योंकि जिस टाइम सीड सब नूं अच्छा लावांगे उहदी आउटपुट ही उस हिसाब नाल आएगी, जो सीड असीं थोड़ा माड़ा लावांगे उस च मसले मसायल बीमारियां भी इफेक्ट ज़्यादा आउंदियां वा। बिल्कुल, मैं जरा तुहानू एक मिनट फील्ड विजिट करा लां। जैसा कि तुम देख रहे हो एक तो दोपहर का टाइम है, कोई वीडियो नहीं अच्छी नहीं बन रही, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसा कि जी मैं तुम्हें दिखा पावगा कि जेडे तो माशाल्लाह पौधे जबरदस्त ने। जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पत्ते तक भी माशाल्लाह है ने। तो ऐसी तरह अगर इधर देख लीए तो कोई तीसरे पत्ते पर भी है वा, आ देख रहे हो जिमें नज़र आ रहा, कोई चौथे पत्ते आ, कोई पांचवें पत्ते आ, क्योंकि हुण इहदा टाइम पीरियड तो पूरा हो रहा है, स्टम राट जिस टाइम आन की गढ़ना शुरू हो जाए मार्च के एंड अप्रैल स्टार्ट के, उस टाइम इन्हां दी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फिर जिस तरह भी अगर कमजोर सीड जिहड़ा लाओगे उहदी सर फिर प्याजी ही बननी आ, तो फिर जिस टाइम प्याजी बनोगे तो फिर तुसीं एक दूसरे को पुछना भी साडा की वाक्य होया, क्यों एवें होया, आ तुसीं सीड जरा विजिट कर रहे हो तुहानूं नज़र आ रहा होगा। एक गल्लां एक नवें सीड लाने वाले वास्ते समझदारी यही है कि फसल विजिट करन, सीड अच्छा होवे देखा जावे, सली ना करके। हुण आप तुहानूं देख रहे हो पौधे नूं कुछ जिवें बीमार लग रहा, टाइम को शक ऐसा दोपहर तक शायद वीडियो ना भी सही बन लगे, समझ असल गल है कि जी समझाने की जी चीज़ समझा रहे हैं कि नवे लैण वाले वास्ते चीज़ देखो। देखो जी माशाल्लाह तारक साहब ने 24 मण लिया से, लैण च सिर्फ 20 किलो बचा, तो खैर अल्लाह पाक इन्हों हम बरकत पावे, कोशिश कर रहे हैं अल्लाह करे इन्हों कोई अच्छी गाइडलाइन या मशवरे दे रहे हैं ताकि इन्हों का सीड भी जो बच गया वा इन भी अच्छा अल्लाह करे जो नुकसान है वो ही पूरा हो जाए। उम्मीद है जी तुम्हें वीडियो चंकी लगी होगी, साढ़े चैनल लाइक तो सबसक्राइब जरूर करिए। जी गलों की ना समझ लगे तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर होगा, सूँ कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो।
मजीद तारक साहब ना कोई मिलना चाहे या इन्हों की कोई फसल इधर रिमजा खान विजिट करना चाहे जब सूरत हाल है ना तो उन्होंने भी रबता नंबर दे देंगे तुम मिल के हाल वाल कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़। छोटा बैड नहीं, कम से कम 18 इंच का बैड हो। अपना 18 इंच अपना 18 का भी है और 12 का भी है, लेकिन बैड थोड़ा उच्चा हो ना। हाँ जी, वो तो पानी नहीं चढ़ता। अच्छा मैडम भी एक चीज़ गाइड कर दो कि जड़े लोगों को एक बैड बनाना से चीज़ मुयसर नहीं हैगी तो उन्होंने असं की कह सकते हैं कि कपाह जरा प्लांटर वो तो कुछ लोगों को मुयसर होंगे की ख्याल उ बनाया जा सकता। कपास वाले दो तरह के, एक तो छोटी प्लांटरी होंगी ठीक 22 इंच का बैड भी बन जाता चल जाएगा ठीक है। दूसरा जरा वा फिर 32 इंच का हो जाता नहीं सही है काफ़ी बड़ा। अच्छा तो जरा दस रहे वा प्लांटरी जिन छोटा बना 21x22 इंच का सिर्फ कि लाइना ला सकते हैं इस वाले नज़र तीन लाइन ला सकते हैं सीपी च पहुँच जाएगी दरम्यान तक बिल्कुल, लेकिन मल्चिंग जरूरी है। सही हो गया विदाउट मल्चिंग नहीं तीसरी लाइन कामयाब नहीं हैगी, अगर तीसरी लाइन लानी है तो मल्चिंग जरूरी है। मल्चिंग वैसे भी जरूरी है दो लाइन फिर भी क्योंकि उस बहुत सारी चीज़ों की बचत होंगी, गोडी की बचत आ, पानी की बचत आ। हाँ जी सही।